आपको ये करना अवश्य है और देखेंगे कि किस प्रकार से आपकी जिंदगी चेंज होगी। नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया होंगे आशा उम्मीद करता हूं, पूर्ण विश्वास है कि आप ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए बताने के लिए जा रहा हूं मकर संक्रांति के लिए कैसा तंत्र किया जाए कि जिससे हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान हमको मिले, हमारा कारोबार हो चाहे गृह क्लेश हो अर्थात कोई भी प्रॉब्लम हो। ये एक ऐसा समय है मकर संक्रांति कि इस तंत्र को करने से सब कुछ पॉजिटिव अच्छा ही होगा। तो 7 कलर की या 9 कलर की कागज की पतंग ले लीजिए, छोटे, ज्यादा बड़ी ना हो। कोशिश करिए कि 9 कलर की अलग अलग मिले, नहीं तो 7 कलर की 7 पतंग आपको लेनी है और रेड पेन से उन पे अपनी प्रॉब्लम लिखनी है, 7ों पतंग पर, काइट पर, और लेकर के इनको पीपल वृक्ष पर बांध दीजिए लाल धागे में। लाल धागे से वो हिलती रहे हवा में, जैसे जैसे हवा लगेगी वो हिलेंगे, आपका काम वैसे वैसे हीलिंग करेगा और ठीक हो जाएगा। किसी भी प्रकार का XYZ कोई भी काम है, कहीं भी दिक्कत आ रही है, कोई भी रुकावट आ रही है, तो सारी समस्याओं का समाधान इन 7 कलर की पतंग से होने वाला है। मकर संक्रांति आपको आपके जीवन में खुशियां लेकर के आ रही है। ये 7 कलर या 9 कलर की पतंग आपके जीवन को बदल रही है। 7 कलर 7 बार हमारे जीवन में बहुत कुछ लेकर के आते हैं और 9 का अंक ज्योतिष में हमारे लिए बहुत मायने रखता है जिंदगी चेंज करने के लिए। पतंग का सीधा संबंध पीपल वृक्ष पर बांधने से हमारी किस्मत से है। लाल धागे का कनेक्शन लक्ष्मी से है। लाल पेन से लिख रहे हैं, लक्ष्मी को सीधे सीधे निमंत्रण दे रहा है। आपको ये करना अवश्य है और देखेंगे कि किस प्रकार से आपकी जिंदगी चेंज होगी। ये मैं नहीं, आप खुद कहेंगे। हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, उन लोगों को बताएं जो जिंदगी में अपनी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो सभी प्रॉब्लम का समाधान ये तंत्र, ये वीडियो है। जिन लोगों ने हमारे यहां रजिस्ट्रेशन कराए हैं बिल्व वृक्ष लक्ष्मी आकर्षण के लिए, वो भी होने के लिए जा रहा है, और जो लोग कराना चाहते हैं तत्काल करा सकते हैं, क्योंकि इसका रिस्पांस एक अलग है। भगवान शंकर के द्वारा लक्ष्मी को कहा हुआ ये तंत्र है। तो बने रहिए, देखते रहिए शिव तंत्र ज्योतिष इंडिया। ओम नमः शिवाय।